नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं काफी समय से खबर आ रही थी कि इंडिया अपनी एक सबमरीन म्यांमार नेवी को देगा और इसके लिए तैयारियां चल रही थी तो दोस्तों अभी उसी के ऊपर हम बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की सिंधु घोष क्लास की, जो की नेवी को दी जानी थी। उसके लिए इंडिया ने सारी तैयारियां जो कि म्यांमार नेवी को दी जाएगी दोस्तों इस सबमरीन को अभी रिपेयर के लिए रखा गया था और इसे फाइनलाइज करना था और ये काम फरवरी तक माना जाता है हो गया था लेकिन उसके बाद में म्यांमार नेवी के क्रियो की इसके ऊपर ट्रेनिंग बची हुई थी और इस ट्रेनिंग को करने के लिए काफी ज्यादा समय लग गया और ये जरूरी भी होता है और अब दोस्तों चूंकि ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है इसलिए ये सबमरीन म्यांमार नेवी को दी जाएगी दोस्तों सूत्रों के हिसाब से अगर माने तो अभी इसके नियम कानून कुछ भी तय नहीं किए गए हैं या उनके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबमरीन हमने रशिया से खरीदी है हम जब दोस्तों किसी देश से कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज लेते हैं तो उसे हम किसी तीसरे देश को देते हैं तो इससे दूसरे देश से भी परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि हो सकता है इससे वह है, उसके दुश्मन देश के हाथ लग जाए तो ऐसे में दोस्तों जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो रशिया की रोस्तो एक्सपोर्ट है उसका कोई भी इसके ऊपर कमेंट नहीं आया है इसका मतलब ये है कि इसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जा चुकी हैं और दोस्तों इससे पहले जब ये फैसला आया था कि इंडियन नेवी सबमरीन को म्यांमार को देगी तो उस समय दोस्तों थाईलैंड की नेवी अलर्ट हो गई थी क्योंकि ये भी म्यांमार का पड़ोसी देश है और उन्होंने ये फैसला अपनी नेवी को निर्देश दिया था कि 45 दिनों के लिए वे इसकी निगरानी रखेंगे कि म्यांमार क्या करता है दोस्तों हमने ऐसी 10 सबमरीन रशिया से खरीदी थी 1988 में और दोस्तों इसे प्रोजेक्ट 877 का नाम दिया गया था दोस्तों इन सबमरीन को खरीदने के बाद में दोस्तों इन्हें एक बार इंडियन शिपयार्ड के अंदर दोबारा से रिफिट भी किया गया इनकी लाइफ एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए इसके लिए अड़तालीस करोड़ रुपए का खर्च भी आया था और चार सबमरीन को रिफिट किया गया था और पांच नवंबर 2014 को हमारी सात सबमरीन रिफिट हो चुकी थी और 2015 तक ये काम पूरा हो गया था उसके बाद दोस्तों रशियन शिप बिल्डर सेवमेश के साथ भी हमने इसे अपग्रेड करने और दोबारा से इसकी लाइफ एक्सटेंशन करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया था पांच हजार करोड़ में और जिसके तहत चार सबमरीन को दोबारा से अपग्रेड किया गया था और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये सबमरीन की काबिलियत के बारे में बताना चाहूंगा दो हजार पंद्रह में नेवल एक्सरसाइज हुई मालाबार जो कि यूएस नेवी और इंडियन नेवी के बीच में हुई उस समय यूएस की यूएस सिटी ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी के नाम से सबमरीन ने हिस्सा लिया था और इंडिया की सिंधु ध्वज सबमरीन ने हिस्सा लिया था और उस समय दोस्तों हमारी सिंधु ध्वज सबमरीन ने यूएस की सबमरीन को न केवल ट्रैक किया बल्कि खुद भी डिटेक्ट नहीं हो सकी यानी कि इंडियन नेवी ने एक सिमुलेटेड किल की उस युद्ध अभ्यास के अंदर अमेरिकन सबमरीन का तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी और दोस्तों हमने जो रशिया के साथ करार किया इनके लाइफ एक्सटेंशन का उसके तहत उन्होंने एल कंपनी को चुना था इंडिया की और दोस्तों चार सबमरीन रशिया के अंदर रिफिट की गई है और लाइफ एक्सटेंशन की गई है और तीन सबमरीन को यहां इंडिया के अंदर ही रिफिट किया जाना था और दोस्तों जो सबमरीन हमने म्यांमार को दी है उसका भी हमने यहीं पर ही लाइफ एक्सटेंशन किया है